वेलकम टू SH डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी SSR और AA का जो एग्ज़ाम फरवरी 2020 में कंडक्ट हुए थे, 2 फरवरी, 3 फरवरी तथा 4 फरवरी को, और उस एग्ज़ाम में जितने भी GK GS के क्वेश्चंस बने थे, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फरवरी 2020 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे SSR और AA के, डेली 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया जा रहा था। इस तरह हम लोग टोटल 9 शिफ्टों का एग्ज़ाम के जितने भी GK GS के क्वेश्चन थे उन सबको डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। आने वाले इंडियन नेवी SSR AA और साथ में MR एग्ज़ाम के लिए GK सेक्शंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि GK का जो लेवल होता है SSR AA और साथ में MR का बिल्कुल सेम लेवल का रहता है। तो जो भी एस्पिरेंट तीनों की तैयारी कर रहे हैं AA SSR और MR का, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं 2017 का एक कलेक्शंस दिया हूँ, जितने भी फरवरी तथा सितंबर मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं SSR AA और MR का, उनका वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ। उसी तरह 2018 का भी किया हूँ, 2019 का भी कर दिया हूँ और 2020 का कर रहा हूँ। इसके बाद जो नेवी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था फरवरी 2020 में, उसका भी कलेक्शन दूंगा। और यदि आप कंबाइंड 2014 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस GK GS के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं सभी वीडियो को और साथ में इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी को शिफ्ट वाइज यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ, और ये ना सोचिएगा कि फेक है, बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस कराया जाता है इस चैनल के माध्यम से। जो कैंडिडेट पहले से जुड़े हैं उन्हें तो मालूम ही होगा, जो नए चैनल पे हैं वो सबसे पहले आप जाके कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए, रिस्पॉन्स देखिए किस तरह के कैंडिडेट का यहाँ पर रिस्पॉन्स है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी शिफ्टों का मैं यहाँ पर प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूं। और आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है किसी भी एग्ज़ाम को एनालिसिस करने के लिए, किस लेवल का क्वेश्चंस आता है। मान लीजिए जो नए कैंडिडेट होंगे उनको, उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा कि उनको एक लेवल की जानकारी होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं, और आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। और इसी तरह मैं 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी इंडियन एयरफोर्स का Y ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ है और उस एग्ज़ाम में जितने भी GK GS के क्वेश्चंस बने थे उन सब का कलेक्शंस दे दिया हूँ, तो उसका भी वीडियो देख लीजिएगा। और साथ में अलग अलग ARO BRO इंडियन आर्मी का भी प्रोवाइड किया हूँ, पैरामिलिट्री फोर्स का भी कराया हूँ। तो इन सब का तैयारी, यदि आप डिफेंस से जुड़े हुए हैं जो कैंडिडेट, वो इस चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगा रहेगा ये चैनल। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए उबेर कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, भारत का संविधान किसने लिखा था। तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखे थे। क्वेश्चन थर्ड देखिए, बायोगैस में कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। क्वेश्चन देखिए फोर्थ, गवर्नर की न्यूनतम आयु कितना होता है। तो न्यूनतम आयु होता है 35 वर्ष। क्वेश्चन फाइव देखिए, 2024 के ओलंपिक्स खेल कहाँ होंगे। तो पेरिस फ्रांस में होंगे। क्वेश्चन देखिए, और 2021 वाला कहाँ होगा। तो देखिए ये 2020 में होने वाला था, प्रत्येक 4 साल बाद होता है, तो वो जापान टोक्यो में होगा 2021 में। ये 2020 में होने वाला था लेकिन कोविड की वजह से अब 2021 में होगा। क्वेश्चन सिक्स देखिए, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन सेवन देखिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है। तो आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। क्वेश्चन देखिए एट, शिमला समझौता कब हुआ था। तो 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। क्वेश्चन नाइन देखिए, एफिल टावर कहाँ स्थित है। तो पेरिस फ्रांस में स्थित है एफिल टावर। क्वेश्चन देखिए टेंथ, संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है। तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, संपत्ति को हटाकर इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया, नहीं तो 7 पहले होता था। क्वेश्चन 11 देखिए, वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है। तो ये है व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन देखिए 12, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक सींग वाले गेंडा यानी राइनो के लिए फेमस है, ये असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
क्वेश्चन 14 देखिए, टर्की की मुद्रा क्या है? तो लीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। और नेहरू कप का बात करते हैं तो फुटबॉल खेल से संबंधित है, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है। तो 16 देखिए, एक दिवसीय मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो मुथैया मुरलीधरन है। क्वेश्चन 17 देखिए, CSS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैस्केडिंग स्टाइल सिट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, 2018 का एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। और 2022 का कहाँ होगा? तो झांगजू चीन में होगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट से कई बार पूछा गया है, एयरफोर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 19 देखिए, मानस अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में है, स्थित है। क्वेश्चन 20 देखिए, भारत में कुल कितनी बोलियाँ बोली जाती है? तो 1632 बोलियाँ बोली जाती है और विश्व में लगभग 5000 के करीब में बोली जाती है। क्वेश्चन 21 देखिए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है प्रविंद जगनाथ। क्वेश्चन 22 देखिए, IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रोग होता है बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। देखिए क्वेश्चन 25 देखिए, विश्व कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन 26 देखिए, टेनिस के जनक किस देश को कहते हैं? तो ये फ्रांस को कहते हैं। क्वेश्चन 27 देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। क्वेश्चन 28 देखिए, PHP का फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सनल होम पेज हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखिए, पलाशी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, लाल रंग का वेवलेंथ कितना होता है? 780 से 622 तक नैनोमीटर तक होता है इसका वेवलेंथ। अब देखिए ये 2 फरवरी 2020 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो देखिए ये कमल हट गए हैं, शिवराज सिंह चौहान अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 3 देखिए, अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। क्वेश्चन देखिए 4, BSF का फुल फॉर्म क्या है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 6 देखिए, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। क्वेश्चन देखिए 8, IP का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, जो ऑप्शंस में होगा उसको कीजिएगा टिक। 9 देखिए, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजीलियन रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10, अशोक चक्र किस लिए दिया जाता है? तो वीरता एवं आत्मबलिदान के लिए दिया जाता है। 11 देखिए, कुवैत की राजधानी क्या है? तो कुवैत सिटी हो जाएगा। 12 देखिए, इंद्र युद्धाभ्यास किसके मध्य हुआ था? तो ये भारत और रूस के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है इंद्र। 13 देखिए, बेल्जियम की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सचिन तेंदुलकर की ये ऑटोबायोग्राफी है, प्लेइंग इट माई वे। 15 देखिए, आर्मी का फुल फॉर्म क्या है? तो अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग हो जाएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 देखिए, अमजद अली खान किसे संबंधित है? तो सरोद वादक से संबंधित है। 17 देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। 18 देखिए, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। क्वेश्चन 19 देखिए, ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखिए, साउथ एशियन गेम्स 2019 कहाँ हुआ था? काठमांडू नेपाल में हुआ था। क्वेश्चन देखिए 21, PHP का फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सनल होम पेज हो जाएगा। 22 देखिए, दाब बढ़ाने पर धोनी का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन 23 देखिए, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। 24 देखिए, IT का फुल फॉर्म क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 देखिए, मिहिर कुल की राजधानी कहाँ है? तो सगाला है, ये मिहिर कुल की राजधानी सगाला है। क्वेश्चन देखिए 26, श्रम दिवस यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। 27 देखिए, स्टेडियम किसका मात्रक है? घन कोण का मात्रक है। 28 देखिए, नींबू का pH मान कितना है? तो 2.4 है।
ये किसे याद करेंगे, एक सॉन्ग आया था एक नींबुआ दो चार गो इस तरह का था, तो उस पर रिलेट करके याद कर लीजिएगा। 29 देखिए, अन्ना हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। अन्ना हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। आप देखिए 2 फरवरी 2020 के तीनों शिफ्ट का कंबाइंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता अधिक होता है, विटामिन डी की सबसे ज़्यादा प्रचुरता होता है। सेकंड देखिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रीय खेल क्या है, बैडमिंटन है। थर्ड देखिए, मारवाड़ किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, फ्रेंच ओपन 2018 महिला एकल खिताब किसने जीता था, तो सिमोना हालेप ने जीता था। क्वेश्चन फाइव देखिए, FTP का फुल फॉर्म क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्वेश्चन सिक्स देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत जी हैं। क्वेश्चन सेवन देखिए, ग्रीस की मुद्रा क्या है, तो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट, कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य कवि थे कालिदास। नाइन देखिए, राष्ट्रपति के अधिकतम आयु सीमा क्या है, तो इनकी कोई आयु सीमा नहीं है अधिकतम। क्वेश्चन देखिए टेंथ, गोवा के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो देखिए सत्यपाल मलिक हट गए हैं, अभी यहाँ पर हैं भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन 11 देखिए, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 12 देखिए, पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली है। क्वेश्चन 13 देखिए, इलाहाबाद का नया नाम क्या है, तो प्रयागराज है। क्वेश्चन देखिए 14, म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो क्यात है। 15 पूछा गया था, चीन की मुद्रा क्या है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो रेनेम्बी जो है ये चीन की मुद्रा है। क्वेश्चन देखिए 16, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। क्वेश्चन 17 देखिए, CDS का फुल फॉर्म क्या है, तो चीफ ऑफ डिफेंस, यहाँ पर सर्विस हो जाएगा, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखिए, सेल का फुल फॉर्म क्या है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 1961 में हुआ था। क्वेश्चन 20 देखिए, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, तो डॉलर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखिए, NRC का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। क्वेश्चन 23 देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवरती है। क्वेश्चन 24 देखिए, मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है, तो ये अफ्रीका में स्थित है। 25 देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है, और राजधानी ढाका है। 26 देखिए, FTP का फुल फॉर्म क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्वेश्चन 27 देखिए, 26 जनवरी 2020 को किस देश के राष्ट्रपति आए थे, तो ये 26 जनवरी 2020 को जेयर बोल्सोनारो जो थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति आए थे, ये गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। 28 देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, आशा पूर्णा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, GST से पहले करों की संख्या कितना था, तो 20 था। क्वेश्चन 30 देखिए, भारत का सबसे पुराना मठ कौन है, तवांग मठ है, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। 31 देखिए, प्रकाश तीव्रता का ऐसा ही मात्रा क्या है, तो कैंडेला है। अब देखिए 3 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होता है, तो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, प्रकाश की चाल के 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। सेकंड देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, तो सत्य नडेला है। क्वेश्चन 3 देखिए, झारखंड की राज्यपाल कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। क्वेश्चन 4 देखिए, गरबा किस राज्य से संबंधित है, गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। क्वेश्चन 5 देखिए, NCTE का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, क्रिकेट इज माई स्टाइल के लेखक कौन है, कपिल देव हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवरती है। क्वेश्चन देखिए 8, अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है, हडसन नदी के किनारे बसा है। 9 देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन देखिए 10th, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो देखिए कमलनाथ हट गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th, पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है, 7 नहीं 4 होता है। 12 देखिए, CRPF के महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो देखिए वर्तमान में अभी कौन है, कुलदीप सिंह है, याद रखिएगा AP मिनिस्ट्री की जगह पर कुलदीप सिंह आए हैं। 13 देखिए, भारतीय नौसेना के 24वें हेड कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह जो है ये 24वें हेड हैं। 14 देखिए, PDF का फुल फॉर्म क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 15, मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, 25 अप्रैल को
मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 17 देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में है। क्वेश्चन 18 देखिए, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। 19 देखिए, जापान के संसद का नाम क्या है? तो डायट है। 20 देखिए, ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। क्वेश्चन 21 देखिए, कतर की राजधानी कहाँ है? तो दोहा है। क्वेश्चन देखिए 22, पेटीएम के सीईओ कौन है? तो अब वर्तमान में है विजय शेखर शर्मा। क्वेश्चन देखिए 23, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 24 देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच है। क्वेश्चन 25 देखिए, मर्डेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। 26 देखिए, पानी को साफ करने के लिए क्या मिलाते हैं? क्लोरीन मिलाते हैं। क्वेश्चन 27 देखिए, एनआरआई का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, सॉप का फुल फॉर्म क्या है? तो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? तो सोनपुर है। क्वेश्चन 30 देखिए, बीसीसीआई के सीईओ कौन है? राहुल जौहरी हैं। और अंतरिम सीईओ किसे अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हेमंग अमीन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन देखिए, अब देखिए नेवी एसएसआर डबल ए जो 3 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए, अस्थाई मेमोरी कौन सा है? तो देखिए रैम जो होता है ये अस्थाई मेमोरी है ये, और जो अस्थाई होता है वो रोम होता है। सेकंड क्वेश्चन स्किप कीजिए, ये क्वेश्चन नहीं था। थर्ड देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन 4 देखिए, भारत की पहली सोलर ट्रेन कौन थी? तो डेमू थी। क्वेश्चन 5 देखिए, भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। और मुद्रा कौन है? निगुल्ट्रन है। क्वेश्चन 6 देखिए, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। क्वेश्चन देखिए 7, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो देखिए ऑप्शंस में अमरावती दिया गया था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं, उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए के बताइएगा, ठीक है? क्योंकि तीनों में से कोई एक पूछ दिया जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, ध्यानचंद किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो हॉकी खेल के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? तो बिगनर ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड हो जाएगा। 10 देखिए, कैड का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कहाँ हुआ था? केरल में 1982 में हुआ था। 12 देखिए, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। क्वेश्चन 13 देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। 14 देखिए, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। 15 देखिए, असम में एक साल में कितने बार बिहू का त्यौहार मनाया जाता है? देखिए असम का काफ़ी लोकप्रिय त्यौहार है बिहू, ये 3 बार मनाया जाता है। 16 देखिए, एसी को डीसी में बदलने वाला युक्ति कौन है? तो वो रेक्टिफायर जो होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। 17 देखिए, बेल्जियम की मुद्रा क्या है? तो ब्रुसेल्स हो जाएगा। 18 देखिए, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन 19 देखिए, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? यूपी में है, बुलंदशहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, नेवी का जो कैप्टन होता है आर्मी में किसके समतुल्य होता है? आर्मी कर्नल के समतुल्य होता है, कर्नल के समतुल्य। क्वेश्चन 21 देखिए, विश्व टॉयलेट दिवस का थीम क्या था 2019 में? तो लीविंग नो वन बिहाइंड। और ये टॉयलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन देखिए 22, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। 23 देखिए, तिलक रत्न दिलशान किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। 24 देखिए, खून का थक्का न होना किस विटामिन की कमी कारण होता है? विटामिन के की कमी कारण होता है। 25 देखिए, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। 27 देखिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताशकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, एफएम का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस हो जाएगा। अब देखिए नेवी एसएसआर डबल ए 3 फरवरी 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। सेकंड देखिए, सीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो कॉम्पैक्ट डिस हो जाएगा। थर्ड देखिए, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजीलियन रियल हो जाएगा। फोर्थ देखिए, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? 18 रेलवे जोन हैं। 5 देखिए, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन है? गोरखपुर यूपी का है। 6 देखिए, लोटस टेम्पल भारत में कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। 7 देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बनी वन में 563
ईसापुर में हुआ था, ये लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 9 देखिए, चीन की राजधानी कहाँ है, तो ये है बीजिंग। क्वेश्चन 10th देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल जी हैं। 11 देखिए, तेजस क्या है, तो ये एक लाइट वेट फाइटर जेट होता है, प्राइवेट और एक प्राइवेट ट्रेन भी है। ये दोनों में से ऑप्शन से क्या था नहीं मालूम मुझे, लेकिन इनमें से दोनों कोई होगा। 12 देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। 13 देखिए, एचसी का फुल फॉर्म क्या है, एचसी हेड सरकमफ्रेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 डीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो डिप्टी कमिश्नर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय है। 16 देखिए, पोस्ट ऑफिस डे कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17 देखिए, सिमली पार अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। 18 देखिए, जूट सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, महाराष्ट्र है। क्वेश्चन देखिए, 19 HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, 20 माइकल जॉर्डन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, जो माइकल जॉर्डन है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। 21 देखिए, द फर्स्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया, भारत में प्रथम सोलर प्लांट कहाँ था, तो पंजाब में था। क्वेश्चन देखिए, 22 भारत की पहली फिल्म कौन थी, तो राजा हरिश्चंद्र थी, मूक फिल्म थी, 1913 में बना था। 23 देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो ये शुक्र ग्रह है। 24 देखिए, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग सक्कर्बी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। 26 देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। 27 देखिए, WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। आप देखिए, 4 फरवरी 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर स्थित है, जो पंजाब में है। 4th देखिए, सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो ये है वेस्ट बंगाल। 5 देखिए, ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है, यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th टाटा नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से जानते हैं। 7 देखिए, बार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो जाएगा। 8 देखिए, UGC का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स परमिशंस हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखिए, याहू का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो येट अनदर हेरिटिकल ऑफिशियस ओरेकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th BPO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th प्रथम महिला T20 क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था 2009 में। 12 देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन देखिए, 13 बिस्मिल्ला खां किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये एक मशहूर शहनाई वादक है। 14 देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं, तो देखिए दक्षिण भारत की गंगा पूछा गया, तो कावेरी होगा। अगर खाली कहता दक्षिण गंगा की नदी कौन है, तो वो हो जाता गोदावरी, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होगीएगा। 16 देखिए, भारत में खारे पानी के झील किसे कहा जाता है, चिल्का झील को कहा जाता है। क्वेश्चन 17 देखिए, MNP का फुल फॉर्म क्या है, तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी हो जाएगा। 18 देखिए, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रथम भारतीय विजेता कौन थे, तो विनोबा भावे थे। 19 देखिए, पलवंक नेतांग के बीमा क्या हो जाएगा, तो MK-1 LK-2 TK-1। 20 देखिए, जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। 21 देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। 22 देखिए, केरल के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर नंबरिंग गड़बड़ है, बट कोई बात नहीं, जो लिखा है वहीं देखिए। PDF का फुल फॉर्म क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। 6 देखिए, जापान की मुद्रा क्या होगा, येन हो जाएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए प्रेम सिंह गोले है, अभी प्रेम सिंह गोले वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। 8 देखिए, चीन की मुद्रा क्या है, रेनेम्बी है। 9 देखिए, स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। अब देखिए 4 फरवरी के सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। 10th देखिए, लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली हो जाएगा। 11 देखिए, USB का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। 12 देखिए, मालगुड़ी डेज के लेखक कौन है, RK नारायण हो जाएगा। 13 देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। 14 देखिए, कार्बन की संयोजकता कितना होता है,
चार होता है। 15 देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देखिए पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा। 17 देखिए सरस्वती सम्मान किस लिए दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। 18 देखिए लोसोंग त्यौहार किस राज त्यौहार राज किस किस राज्य में मनाया जाता है लोसोंग त्यौहार, तो ये सिक्किम का त्यौहार है लोसोंग। 19 देखिए ब्रुनेई की ऑफिशियल भाषा क्या है, तो मलाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 20 सबसे ज़्यादा पौन चक्की किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। 21 देखिए झूम एक प्रकार की क्या है, तो ये खेती होता है जो पहाड़ी इलाकों में होता है। 22 देखिए केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, राजस्थान में है। 23 देखिए बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, तो बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड हो जाएगा। 24 देखिए आपका फुल फॉर्म क्या है, आम आदमी पार्टी हो जाएगा। 25 देखिए पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, तो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। 26 देखिए लंदन किस नदी के किनारे बसा है, तो टेम्स नदी के किनारे बसा है। 27 देखिए इंडिया ने किस देश को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो पाकिस्तान को हराकर जीता था। 28 देखिए अंगोला की राजधानी कहाँ है, तो ये लवंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। 30 देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है वर्तमान में। 31 देखिए मेघालय के सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है मेघालय में, तो खांसी गोर ज़्यादा बोली जाती है। 32 देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 33 देखिए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 34 देखिए भारत के प्रथम नाभिकीय परमाणु रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 जो जिला दारा कहाँ है, लद्दाख में है। 36 देखिए गंगा नदी की सहायक नदी कौन है, तो देखिए यमुना, राम गंगा, करनाली, ताप्ती, चंबल, सोन, बेतवा, केन, ये सभी क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। 37 देखिए पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। 38 देखिए असम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी और बिहू एक सिंह वाला गेंडा के लिए काफ़ी फेमस है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक था ऑप्शंस में, तो मैंने तीनों को इंक्लूड कर दिया हूँ। अब देखिए मैंने फरवरी 2, 3, 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था SSR AA का, उसका पूरा कलेक्शन दे दिया हूँ। अब इसके बाद नेवी MR का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था फरवरी में, 5 फरवरी से, उसको मैं कराऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।